गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी। बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम आज करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्वेश्चंस। तो फटाफट से जुड़ जाएंगे सारे बच्चे। वेलकम वेलकम एवरीवन, लेट्स डू दिस पीवाईक्यू सीरीज व्हिच इज डन ओनली ऑन संडेज। यस बच्चों जल्दी से आ जाइए। हाय सोनी, हेलो यश, हाय फैजल, हाय नीट एम्स, हेलो अंकित, हाय संबोधि। तो भाई दिल बन जाना चाहिए, दिल बन जाना चाहिए, बिना दिल के काम नहीं चलता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बैक टू बैक मीटिंग्स गिविंग यू अ बैकी। आर यू गाइज एबल टू सी मी एंड हियर मी? गिव मी अ थम्स अप। Come on everyone. हाँ जी चलो, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए बी डी एस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम एस रामिया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बींग डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एडुकेटर। और आज कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज में यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्वेश्चंस। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लें। और इजी तरीका, लेट्स क्रैक नीट यूजी टाइप करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओके बच्चों, और मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो साक्षी 100 टाइप करेंगे टेलीग्राम पे एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। हाय प्रांजलि, हेलो मीर। बेटा ये ऐप आप सब लोग इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, बाय द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्विजेस फ्री मिल रहे हैं, लीडर बोर्ड फ्री मिल रहा है, कॉम्बैट फ्री मिल रहा है, जिससे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं एंड इसका आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और सारी चीज़ें आप फ्री अनलॉक कर सकते हैं विथ अ कोड साक्षी 100। तो जैसे ही ये कोड लगाएंगे आप फ्री अनलॉक कर लेंगे। हाय रिया। बच्चों अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेवल अप करना है तो अन अकेडमी पे प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट मिलता है प्लस में। आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ बहुत सारे एड ऑन मिल रहे हैं, जैसे कि एक पर्सनल मेंटोर जो कि डेली बेसिस पे आपको गाइड करेगा पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाए, लाइव डाउट सॉल्यूशन टू सॉल्व योर डाउट एंड पेरेंट कनेक्ट, जिसमें आपके पेरेंट और मेंटोर में ओपन सेशन होता है ताकि आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जा सके एंड ऑल द प्लस बेनिफिट। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आना है तो चूज योर गोल ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप, चूज द सब्सक्रिप्शन, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। आपके क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सो चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो आपको बेस्ट सूटेड है आप वो ले सकते हैं। एंड रिमेंबर द कोड साक्षी 100 फॉर इमीडिएट 10% डिस्काउंट। और साक्षी 100 लगाने पे आपको मैम की पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। आई विल पर्सनली गाइड यू। अभी एक ऑफर चल रहा है जो कि आप साक्षी 100 पे अवेल कर सकते हैं। अगर आप कोड अभी यूज करेंगे साक्षी 100 और 3 months का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड होके 31 जुलाई तक मिलेगा, यानी 4 महीने से ज्यादा। और इस पे 10% डिस्काउंट भी है, ऊपर से एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी है, ऊपर से मैम की गाइडेंस भी है। तो ये सारे प्रॉफिट है आपको। हाय डोरा। तो साक्षी 100 इज योर रेफरल कोड एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड लेट्स रॉक एंड रोल। बच्चों जल्दी से आ जाएंगे और बहुत ही क्विक करने वाले हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आई विल टेक द नेम, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से। चलो हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ द एलियरोन लेयर इन द प्लांट स्पीशीज विथ 8 क्रोमोसोम इन इट्स सिनर्जिड्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है। कम ऑन एवरीवन, कितने क्रोमोसोम होंगे एल्यूरोन लेयर में?
अगर सिनर्जिड में आपका क्या है 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। स्ट्रिक्स गेम है, डोरा कह रहे बी, विकेश कह रहे सी, लेट्स सी, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बी आ रहा है साहिल से, फटाफट फटाफट आंसर करना है। तो आपका सही आंसर बी है क्योंकि ये 3N होगा, ये कितना है N है अगर, तो ये कितना होगा 3N होगा एल्यूरॉन लेयर में जो कि एंडोस्पर्म का पार्ट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट, डाइकॉट में कैसे अरेंज होते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बच्चों 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे अरेंज्ड है, कम ऑन। हाँ वैष्णवी आप लोगों ने बताया ही नहीं अपने फ्रेंड्स को कि PYQs हो रहे हैं, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय रिया जल्दी से बताएंगे आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है वहां पे क्या होता है 3 आर्किस्पोरियल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल, 1 सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियाई, कितने हुए 1, 2, 3, 3 प्लस 2 प्लस अगेन 3 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाय कैलाश चलो विकेश बी बोल रहे हैं जल्दी, इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट है, मोनोकॉट के सॉरी कॉटिलेडन को क्या कहते हैं जल्दी बताओ। हां जी कैलाश आपका नाम ले लिया बेटा, जल्दी आंसर दीजिए, बी आ रहा है और बी बिल्कुल सही जवाब है, स्कूटलेम कहते हैं। चलो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोड्यूसिंग एट द एंड ऑफ कॉब ऑफ मेज, तो भुट्टे का जो कॉब होता है उसमें से जो धागे निकलते हैं ठीक है वो क्या होते हैं उसके, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, यस बच्चों कम ऑन कम ऑन, आपके दांतों में आके फंस भी जाते हैं कई बार। चलिए इट इज स्टाइल, इट इज स्टाइल होता है वो, एंथर कैसे होगा बबुआ, एंथर तो छोटी छोटी होता है ये धागे की तरह है, स्टाइल होता है नहीं हेयर नहीं होता, इट इज द स्टाइल जिसमें स्टिग्मा गायब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द एडिबल पार्ट द एरल, तो एरल किसका एडिबल पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है ये क्वेश्चन, जल्दी से कम ऑन एवरीवन, सब आज संडे मनाने में इतना इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर रहे हो फिर बाद में नहीं बोलना। कम ऑन कम ऑन, 1 आ रहा है लीची लीची और सही जवाब है बिल्कुल लीची में होता है आपका एरिल, स्काइन इज ग्राफ्टेड टू स्टॉक, यहाँ पे किसकी ग्राफ्टिंग की बात हो रही है, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ, जीनोटाइप ऑफ किसके जीनोटाइप से आपका नया वाला फ्रूट प्रोड्यूस होगा जल्दी बताओ, संडे क्वेश्चन डे है यार फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, पढ़ा थोड़ी ना रहे, सिर्फ क्विज हो रहा है, क्विज तो मजे करने वाले दिन है, जल्दी 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 किसके आपकी क्वालिटी आएगी जीनोटाइपिकली उस नए ऑफ ब्रिड में फ्रूट के अंदर, कम ऑन, स्कियोन की आएगी, स्टॉक की आएगी, सी आर एंड सी इज करेक्ट, अगर एक ही की आनी होती, अरे ये सी होगा, ये सी होगा ठीक है, सी की आएगी, सी की आएगी बताओ जल्दी से, गलत, मैं देख रही हूं कितने लोग सही बता रहे हैं, बी की आती है
बी की आती है जो नीचे लगा रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बोलूंगी गलत तो आप भी बताओगे गलत, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ, मेल गैमिट किसके डिवीजन से बन रहे हैं? कम ऑन एवरीवन, मेल गैमिट कौन से सेल के डिवीजन के बाद बन रहे हैं? दो मेल गैमिट बनते हैं किससे? फाइनली फाइनली किससे बन रहे? कौन सा सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट एंड में बना रहा है? सोचो सोचो थोड़ा सा। ये तो सारे सेल को बना रहा है बेटा, ये माइक्रोस्पोर बन रहा है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। आपको एक्यूरेट पे टिक्का लगाना है जब इतना एक्यूरेट क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following is surrounded by callous wall? तो callous के wall surrounded होते हैं कहाँ पे? किसमें? Come on everyone, callous की wall, जल्दी 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 आंसर देंगे। Come on, B आ रहा है विकेश से, डी आ रहा है, सी आ रहा है, लेट्स सी, बी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने लेमन में भी आपको बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल कैलोज ले होती, बाद में कैलेज एंजाइम टेप्टम को डिसॉल्व कर देता है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, अगर फ्लावर यूनिसेक्स यानी कि सिंगल सेक्स प्रेजेंट है तो किस चीज से क्या नहीं होगा उनमें, क्या नहीं होगा? कम ऑन एवरीवन, सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, चलिए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अगर उस प्लांट पे दो तरह के फ्लावर है, भले ही यूनिसेक्स हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो जिटोनोगैमी तो पॉसिबल है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन चले जाए सेम प्लांट में, तो जिटोनोगैमी प्रेजेंट है, लेकिन ऑटोगैमी नहीं हो सकता। Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. Come on everyone. आज सारे बच्चे गए कहाँ, पहले ये बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। सी आ रहा है, सी आ रहा है, यस, और ए इज द करेक्ट आंसर। सी में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो कैसे कंज्यूम होगा? पी के अंदर नो एंडोस्पर्म होता है तो इसमें कंज्यूम हो जाता है पूरा का पूरा, पी में कंज्यूम होता है, इसमें तो बचा रहता है। Which one of the following is resistant to enzyme action? Which one of the following? क्या हो गया साहिल, बाय बाय क्यों लिख रहे हो? बेटा स्पैम नहीं करो, स्पैम नहीं करो, प्लीज स्पैम नहीं करो। Resistant to enzyme action. प्रयास ए बोल रहे हैं, रोजा ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पॉलन एग्जाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्पोरो पॉलन इन प्रेजेंट होता है, क्लियर है? चलो, व्हाट डज फिलीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल? फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन काम क्या है? कम ऑन एवरीवन,
फिलीफॉर्म एपरेटस। सुनील बी कह रहे हैं, रिया सी बोल रही हैं, सी आ रहा है, बी आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, आई नीड मोर आंसर्स। क्या यार, आज तो जोश हाई होना चाहिए, एक ही क्लास है बस। सी 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 सी, मिर्ची लग गई भाई। एंड इट इज करेक्ट। एंट्री कराता है पॉलन ट्यूब का सिनर्जिट के थ्रू। क्या हो रहा है, कैच करवा रहा है पॉलन ट्यूब को। ठीक है चलो। Which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? यानी कि n number of chromosome। बहुत इजी है, बहुत ही इजी पीजी है। Come on everyone। D आ रहा है, चलो देखते हैं। न्यूसिलस 2n होता है, एंटीपोडल एन होता है, एग एन होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, मेगास्पोर मदर सेल 2n होती है, एंटीपोडल एन होता है, एग सेल एन होता है, एंटीपोडल एन होता है, यानी कि डी पे टिक्का लग जाएगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विथ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरेंकल इज। कम ऑन एवरीवन। कम ऑन कम ऑन। यस बच्चों, तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और कैरेंकल। ए आ रहा है प्रयास से। लेट्स सी, रिया ये बोल रही है, नहीं इज द करेक्ट आंसर। कैस्टर के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। स्कूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड इन अदर मोनोकोटिलेडन्स। तो मोनोकॉट में बोल रहा है, स्कूटेलम किससे आप कर सकते हो, मैच कर सकते हो। कम ऑन एवरीवन। स्कूटेलम मान लो डाइकॉट से मैच करना, तो स्कूटेलम किसको डिपिक्ट कर रहा है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। स्कूटेलम एक कॉटिलेडन है, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। टिक्का लग गया। चलो नेक्स्ट। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज। कम ऑन एवरीवन। थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है, थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जल्दी बताओ। सी आ रहा है प्रयास से, बिल्कुल सही जवाब। टिक्का लगाएंगे थ्री पे। मैटरनल स्पोरोफाइट जो होती हैं आपकी, वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके होता है। यस, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। कम ऑन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। यस बच्चों, पार्टी। जल्दी जल्दी जल्दी, सी आ रहा है, सी आ रहा है, और सी बिल्कुल सही है। स्मॉल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं, स्मॉल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि इनको कोई ज्यादा शोबाजी नहीं करनी है। ब्राइट कलर्ड गलत हो जाएगा, नेक्टर की जरूरत नहीं होती है, अबंडेंट नेक्टर गलत हो जाएगा, तो सी ही सही आंसर है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट से के दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, तो क्या बोलते हैं। ए बी सी डी। कम ऑन, ए बी सी डी में से कौन सा। कम ऑन, ए बी सी डी। अगर सेम फ्लावर
प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। वेरी गुड, सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, जीटोनोगैमी कहते हैं। एक ही फ्लावर में हो रहा तो सेल्फ, दो पेड़ के फ्लावर्स में हो रहा तो जीनो, एक ही पेड़ के दो फ्लावर में हो रहा तो जीटोनो। कैरियोगैमी तो आपका क्या होता है, प्रो न्यूक्लियस मिक्सिंग को कहते हैं, ये तो जबरदस्ती घुसा दिया। वॉट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? वेरी वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए आ रहा है बच्चों का, ए आ रहा है, लेट्स सी, एंड ए बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्लोन्स जो कि आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, राइट। चलो, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगा स्पोर डिवेलप्स इन टू, कम ऑन एवरीवन, फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बना रही है, कम ऑन कम ऑन। बेटा ये प्रीवियस ईयर के मैं क्या डालूंगी, यही बन, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डॉक्टर साहब बनने के लिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। मैं क्या डाल रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर पढ़ा रही हूँ मैं, क्वेश्चन तो गूगली मारती हूँ गूगली। बी आ रहा है एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल सही जवाब है। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। फिलीफॉर्म एपरेटस Come on everyone, आज सारे बच्चे हैं कहां भाई। I'll stop this PYQs. चलो, CRI synergid, बेटा न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोन इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ, पॉली एम्ब्रियोनी यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट होते हैं। आज सबका वीकली ऑफ है बेटा, नीट आने वाला है, इस समय ऑफ से काम ही ना चलेगा। मैम मेहनत कर रही है आपके लिए और आप ऑफ मार के बैठे हो, गलत बात, बहुत नाइंसाफी है। ए आ रहा है बिल्कुल सही, सिट्रस होगा, यस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोजीनस, ऑटोजीनस, डर डर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कम ऑन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑटोजिनस ए आ रहा है, सोच लो उड़ी बाबा, ओ जल्दी बताओ। जिटोनोगैमी में दो फ्लावर में जाएगा, एक फ्लावर से दूसरे में, जीनोगैमी में एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक, चैस्मोगैमी का मतलब होता है ओपन फ्लावर, जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। क्लिस्टोगैमी क्या है, क्लोज फ्लावर, क्या यहां क्रॉस पॉलिनेशन, क्या यहां क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, नहीं ना, तो यहां पे होगा ऑटोजीनस, डी इज द करेक्ट आंसर। मेरा नाज, तुम लोग बैंड बजवा रहे हो। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरॉन सेल ऑफ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन रूट टिप सेल्स?
क्रोमोसोम नंबर इन एल्यूरॉन सेल्स. बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो. आपने अपना नाम मुझे कल बताया था, भूल गए. ऑक्सैलिस में देखा जाता है. यस. बी आर आई क्यों होगा जल्दी बताओ. एल्यूरॉन सेल एंडोस्पर्म में है, यानी कि 3N होगा. कितना बना? बी इज द टिक्का लगा दो जल्दी. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेपटम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टेपटम क्या करता है बच्चों? टेपटम, कम ऑन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे जल्दी. डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी बी आ रहा है. यस, लेट्स सी. एंड डी इज द करेक्ट आंसर. देखो डी भी रिलेटेबल है, बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट. लेकिन ये एक्यूरेट है. वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं. मदर केयर करता है, बट कहां से फूड ले रहा है? आपके मिडिल लेयर से ले रहा है. ठीक है, मिडिल लेयर से ले रहा है, वहां से नरिशमेंट दे रहा है. चलो, क्लिस्टोगैमी इज लीडिंग ओवर एंथेसिस बिकॉज. ओह दैट इज माइक्रोस्पोर. ओए होए, मैम ही कन्वी, ये माइक्रोस्पोर होता तब सही होता, इसलिए ये गलत है. सही बात है. चलो कोई नहीं. क्लिस्टोगैमी इज लीडिंग. थैंक यू फॉर करेक्टिंग प्रयास. थैंक यू. क्लिस्टोगैमस इज लीडिंग ओवर एंथेसिस बिकॉज. गुड इवनिंग योगेश. मैं सही देख के बैठी थी, गलत वालों को ध्यान ही नहीं दिया. कम ऑन, क्लिस्टोगैमी एंथेसिस पे लीड क्यों करता है? कम ऑन. वेरी गुड. एक ही चीज में लीड करेगा. क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड फ्लावर है, तो उनमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है. बाकी सारी चीजें बेकार. चलो, कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज इक्वलेंट टू. बहुत ही महा इजी क्वेश्चन है. ये गलत करके आओगे ना तो फ्लाइंग हथौड़ा जाएगा एकदम. जल्दी बताओ. सी आ रहा है मोटिवेशनल वीडियो से. सी 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 मिर्ची लग गई. एंडोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात है. कौन सा? न्यूक्लियर और सेलुलर का मिक्स होता है, और इसको क्या कहते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म. क्लियर है. टिक्का लगाएंगे थर्ड पे जल्दी से. नेक्स्ट. गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर ऑफ. मैनी फ्री पिस्टल कैसा होगा ये? सिनकार्पस एपोकार्पस कैसा होगा ये? योगेश कह रहे हैं लॉकडाउन की वजह से 2011 खराब हो गया. आपके पास एक साल है योगेश. मैं 4 महीने के लिए बच्चों को कह रही हूँ हो जाएगा, आप तो फिर भी 1 साल रखे हो. हम तो फोड़ के आएंगे योगेश. जल्दी से. मिशेलिया में होता है, अंगनेन एनसीईआरटी में दिया हुआ नलाइको. चलो नेक्स्ट. बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन. इस किस में? आपका यूनिसेक्स प्लांट ही होता है. कम ऑन एवरीवन, जल्दी. पापाया, ये मैंने कल बताया था.
तो पापा आ गया है, पपाया में नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन या फिर क्या कहते हैं उसको, जीनोगैमी ही पॉसिबल है। ओके चलो, पापा आया और गया, पिटाई पड़ जाएगी जानब पापा बुला रहे हो। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, अगर इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो भी ये अपना पॉलिनेशन करा लेते हैं। किसमें ऐसा होता है जल्दी बताएंगे। योगेश बेटा कनेक्ट विथ मी ऑन साक्षी 100 टेलीग्राम चैनल, आई विल सजेस्ट यू व्हाट ऑल यू कैन डू नाउ। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये टाइम, दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर यू। आई टेल यू अभी कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को। मैं सोची 11th वालों के लिए वीडियो बना दो, बट भाई आप लोग का तो कहना नहीं है। मैम कुछ भी वीडियो बना दें, सपोर्ट तो बहुत कम लोग करते हैं, नीचे गालियां देने वाले बहुत बैठे होते हैं। हैं जी, तो बना दी तो कहेंगे नहीं 2021 तो निकला नहीं, 22 के ज्ञान दे रही हैं। तो भैया हमको डर भी लगता है क्योंकि भैया हमको कोई सपोर्ट तो करता नहीं, गाली सारे दे देते हैं। चलो, सी इज द करेक्ट आंसर, कॉमेलिना। प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। बेटा सुन लेते हैं, इतना नहीं सुन पाएंगे ना आप। प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। कम ऑन एवरीवन, लेट्स डू दिस। जल्दी जल्दी, आज सब छुट्टी बना रहे हैं, जान दो। पीवाईक्यू सबके छूटेंगे, छोड़ो जान दो। बी आ रहा है, बी आ रहा है, लेट्स सी एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका विंड पॉलिनेशन से होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इनमें गलत है। देखो मैंने लिख दिया, कौन सा इनमें से गलत है, जल्दी से बताएंगे। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी। सी आ रहा है, सी आ रहा है, लेट्स सी। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। पॉलन इज शेड एट टू सेल स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। बिल्कुल गलत, बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट है, बिना सर पैर का स्टेटमेंट है। किसी भी स्टेटमेंट आए उससे क्या मतलब है, डबल करेगा कि ट्रिपल करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का क्या फंक्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जर्म पोर का क्या फंक्शन है। कम ऑन एवरीवन, ए आ रहा है, ए आ रहा है। चल, ए इज द करेक्ट आंसर, पॉलन ट्यूब बना रहे। बेटा जी अपने भाई बंधुओं को बता दीजिए, ये क्लास चल रहा है, बाद में कहेंगे मैम पता ही नहीं था। तो जिसको जिसको आप जानते हैं, जितने ग्रुप आप जानते हैं, जितने टेलीग्राम ग्रुप आप जानते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जानते हैं, सब पे बता दीजिए ऐसा चल रहा है। हर संडे को सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विंड पॉलिनेशन, अबाउट विंड पॉलिनेशन। अरे उनका भी थोड़ा भला हो जाए, फ्री का माल है, पढ़ लो, ज्ञान ही बढ़ रहा है, ज्ञानता थोड़ी ना आ रही है। इनकरेक्ट अबाउट विंड पॉलिनेशन। डी आ रहा है प्रयास से, लेट्स सी। अभी इसी का उल्टा क्वेश्चन आया था पीछे, तो ओवरी इसमें कई ओव्यूल नहीं होते हैं, कम ओव्यूल होते हैं इनमें,
ताकि वो इजीली कैरी अवे हो पाए। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्मेन, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्मेन। क्या होता है जल्दी बताओ, बहुत इजी है, ऑप्शन पढ़ो क्लिक कर जाएगा तुरंत। ऑप्शन पढ़ो, फंडे मत मनाओ अभी बेटा, 4 महीने के बाद जितना, 4 नहीं 5 महीने के बाद जितना फंडे करना होगा कर लेना, अभी पढ़ लो। अभी जो फंडे कर लिया पूरे, पता ना 5 महीने बाद आप फंडे कर रहे होगे और वो देख रहे होंगे। डी आ रहा है, क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है, बट पेरिस्पर्म 2N होता है, बीइंग अ डिप्लॉयड। यस वेरी गुड। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू जी डोरेमोन। मैं डोरेमोन बन गई हूँ सबके लिए, आवाज सुधारी हूँ, सुधरी नहीं रही है। कल तो मुझे घर में चुप करा के बिठा दिया गया था, ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ क्लास के टाइम बोलना है। बढ़िया, कैसे कोई पूरे दिन चुप बैठेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। ए आ रहा है, लेट्स सी। अरे बिल्कुल सही है, ओव्यूल होता है आपका मेगास्पोरेंजियम। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी यानी कि बंद फूल, क्लिस्टोगैमी इज हाय फैसल, बाप रे गाना ही लिख दिए हैं डोरेमोन, या गाए हैं बैठ के डोरेमोन। चलो चलो, डी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि बंद फूल है। कैसे फूल है ये, बंद फूल है भैया। चल, सीट कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। ये नॉट को भूल ना जाना, नहीं तो मार्क्स को ये दूर ले जाएगा। मैं डेली कितने बजे आती हूं, ठीक है। वारे वा, सारे कार्टून मेरे अंदर ही दिख रहे हैं ना, तुमको डोरेमोन भी दिख रहा है, डिंग 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 निंजा हथौड़ी भी दिख रहा है डेली। बेटा सुबह 8 बजे फैसल, शाम को 5 बजे और इवनिंग में फिर 8 बजे, 3 क्लासेस होती हैं, ठीक। बी आ रहा है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सीड कोट जिसका थिन नहीं होता, इतना मोटा सा नारियल के ऊपर ये जो छील छील के निकालते हो, वो आपको कहां से बेटा जी पतला निकलता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैं अभी ना 3 साल के बच्चे को दे दूं तो वो भी कर लेगा, ठीक है। अगर 3 साल के बच्चे को दे दूंगी वो भी कर लेगा कि बेटा किसका ऊपर का खोपड़ा जो होता है वो थिन नहीं होता है, तो वो भी कह देगा अरे भैया नारियल पानी नारियल पानी। चलो सीड कोट थिन, जल्दी तो करवा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है बेटा। वहां फाइबरस होता है बट पूछा है किसका पतला नहीं होता है, तो वो मोटा पतला तो कहीं से ना होता है। चलो पहले क्वेश्चन कर लो फिर नारियल पानी पियेंगे। चलो जल्दी बताओ इसमें से सही कौन सा है, सही कौन सा है, कम ऑन एवरी वन। वन आ रहा है, वन नंबर वन एंड वन इज द करेक्ट आंसर। टेपटम नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन को, जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। अभी अभी हमसे कुछ देर पहले ये मेगा स्पोर पढ़ लिया गया था हमने, तो गड़बड़ हो गया था। स्पोरोपोलिनिन इन एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन कैन बी डिग्रेडेड बाय, कैन बी डिग्रेडेड बाय। ये बहुत 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 ही उमदा क्वेश्चन है,
गुड मॉर्निंग गोला पूजा, हाय प्रे, हेलो 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 वीडियो वाला डी आ रहा है, ये क्या है, बहुत ही सख्त सख्त लौंडा है हमारा, इतनी जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा, तो आंसर इज डी पे टिक्का लगाएंगे, स्पोरोपोलिन सख्त लौंडा है। चलो, आफ्टर पॉलिनेशन वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वीट राइस इज अबाउट, पॉलिनेशन के बाद वायबिलिटी कितनी मेंटेन होती है। फैजल बेटा 70% से 80% के लगभग तैयारी आपके पीवाईक्यू से हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही, इसमें कई क्वेश्चन हैं जो कई साल आए हैं। जल्दी बताओ, ए आ रहा है बिल्कुल, आधे घंटे में इनकी वायबिलिटी खत्म, काम तमाम भैया, आधे घंटे में जो करना करो, नहीं तो हम तो साथ नहीं देंगे। एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ, एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ किसमें रह जाता है, किसमें कह देता है भैया टाटा बाय बाय मैं ना आ रही हूं, मैं ना आता आऊंगा, जल्दी बताओ, कम ऑन एवरीवन। जल्दी जल्दी, ए बी, बी आ रहा है सपना से और सही है, यहां पे टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात होती है, ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा उल्लू बनाने वाला चुपचाप कहना बुद्धू ना बनाओ हमको, हमको भी पता है, तो एंजियोस्पर्म डे टिक्का लगा के आओगे जल्दी। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 3N, अगेन फिर बुद्धू बना रहा है यार, ये दिन भर बुद्धू ही बनाता रहता है हमें, हैं इसका कोई काम नहीं है, जल्दी बता दो ये वाला। बेटा आपका सीड कवर्ड किसमें होता है बताओ, किसमें सीड कवर्ड होता है, एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर आपका फ्लावर किसमें हो रहा है, एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट किसमें, एंजियोस्पर्म में, यानी फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसी में होगा। डी आ रहा है टिक्का लगाएंगे बिल्कुल, एंडोस्पर्म इन्हीं में बनेगा, इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन एन ओव्यूल, इन एन ओव्यूल, जल्दी जल्दी, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन एन ओव्यूल, ए आ रहा है, ए आ रहा है, देखते हैं सही जवाब क्या है। चलो, तो ए इज द करेक्ट आंसर, जाइगोट बन रहा है तो एक डिप्लॉयड होगा, ट्रिप्लॉयड आपके क्या होंगे, वहां पे तीन सेल्स होते हैं जो चैलेंजल एंड पे हैं, वो ट्रिप्लॉयड फॉर्म में, और पांच सेल बनते हैं सिनर्जिड, और सारी चीजों को मिला के पांच हैप्लॉयड रहते हैं, यस। चलो, जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व कर रहा है, जल्दी बताओ, ये अचानक से बच्चों का बवंडर आके चला गया। आर्यन बेटा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, कितना फास्ट कराऊं, आंसर बताओ तब ना, ए आ रहा है, बी आ रहा है, लेट्स सी, ए इज द करेक्ट आंसर, जहां पे एक बगिया के एक पेड़ के फूल में से उसी पेड़ के दूसरे फूल तक जाता है तो जिटोनोगैमी कहते हैं, तो पेड़ एक ही है, फूल अलग अलग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जिटोनोगैमी होगा। मेल गेमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, लीस्ट नंबर ऑफ सेल, कम ऑन एवरीवन, हां जी,
मेहमान आए और चले गए, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी, सी आ रहा है लिलियम। क्या है बेटा जी, ये एंजियोस्पर्म है। चलो एंजियोस्पर्म है, नहीं है, जाओ पता करके आओ क्या है। लिलियम क्या है बताओ जल्दी, कितने लोगों को पता है लिलियम क्या है? चलो कोई नहीं, बाद में बता करके आना। पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर पॉलन टैबलेट्स। आपको मैं बहुत बार कंफ्यूज करूंगी इतना जान लो, और कई बार खुद भी कंफ्यूज हो जाती है ये भी जान लो। जल्दी, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, सप्लीमेंटिंग फूड। तो ये एथलीट्स वगैरह भी लेते हैं। और डर्बी जानते हो? डर्बी कितने लोग जानते हैं? तो डर्बी वाले घोड़े को दी जाती है, डर्बी में जो हॉर्सेस दौड़ते हैं उनको भी दिया जाता है ताकि उनकी एनर्जी बूस्ट कर जाए। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, ये कितनी बार पूछोगे भैया? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार अभी तक, आई थिंक 3 से 4 बार रिपीट हो गया है, हुआ है कि नहीं बच्चों? सही बताना। तो देख लो कितने रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। जल्दी जल्दी, डी आ रहा है, डी आ रहा है, श्योर हो? लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, डी को ताला लगा दिया जाए, और डी बिल्कुल सही जवाब है। नॉन एल्बुमिनस सीड यानी कि जिसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म अबसेंट होगा, अबसेंट यानी कि नहीं प्रेजेंट होगा, किसमें होता है, किसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, खत्म, बिल्कुल खल्लास। जल्दी, कम ऑन एवरीवन, जल्दी, अभी कोई वाला नहीं, अभी नीट वाला बन जाओ सब लोग। पी आ रहा है, पी 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 पी, पी में आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है पूरी तरह। पॉलन ग्रेन अलोंग विद ग्रोइंग ट्यूब हैज हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई? ग्रोइंग ट्यूब मतलब पॉलन ग्रेन अभी ग्रो कर रहा है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, और उसमें से आपके क्या चल रहे हैं, आपके कितने तरह के सेल चल रहे हैं, उनमें कितनी न्यूक्लियाई हैं? ये आया थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। टू आर अ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, बोलने बबुआ, जल्दी जल्दी। सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, एंड सी सही है। आगे कौन चलेगा? इत्थे आगे आगे चलेंगे वेजिटेटिव जी, बराती बनके, ये बराती है ना, दूल्हे के बराती हैं, पीछे चलेंगे। दो मेल गैमेट कितने हुए? 3 न्यूक्लियाई हुए, राइट, तीनों हैप्लॉइड होंगे। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय डायोशियस कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय डायोशियस कंडीशन? अरे मजे मजे में देखो, सारा चैप्टर अभी खत्म, पता ही नहीं लगेगा हमने पूरा चैप्टर कर लिया, सारे PYQ एक शॉट में। टाइम चेंज कर दीजिए, क्या टाइम करूं बताओ, हमको भी शाम को छुट्टी दे दो यार थोड़ी। आपको दूल्हा नहीं बना रहे, मैं मेल गैमेट को बना रही हूं। अरे बहुत मजेदार से मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिसको भी फर्टिलाइजेशन फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कंफ्यूजन है, डू वॉच माई वीडियो, मैं गारंटी के साथ बता रही हूं, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। बी आ रहा है, बी आ रहा है, और देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स स्ट्रक्चर दो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंटेड, और डायोशियस कहलाता है। नहीं, टाइम नहीं चेंज किया है, संडे को बेटा PYQ सीरीज अलग चल रही है,
दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नीव सीरीज। इस पोस्टर में से मुझे नीव का नाम हटवाना है, ये अलग सीरीज चल रही है जो कि सिर्फ संडे चलेगी। चॉकलेट, चॉकलेट तो नहीं यार, गला बैठ गया है। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मुझे अब दवा की जरूरत है, दवा की, दुआ और दवा की जरूरत है ताकि मेरा गला सही हो जाए। तो दुआ और दवा कर देना कि मैम का गला सही हो जाए, तो जो बत्तख जैसी आवाज निकल रही है ना जल्दी सही हो जाएगी। ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यू सी आ रहा है, आंसर इज ए। ट्रांसमिशन टिश्यू सॉलिड स्टाइल में होता है, सॉलिड स्टाइल, ये वो स्टाइल स्टिग्मा वाला स्टाइल है, वो ऐसा वाला स्टाइल नहीं है, ठीक है। सॉलिड स्टाइल होता है तो ट्रांसमिशन टिश्यू की जरूरत होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ये कतई 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 इजी क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओ इसको। जेनेटिकली ऑटोगैमी है बट लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है, जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं भैया, मुझे मुझे ओरिजिनल वॉइस चाहिए अपनी, इट्स बिन, इट्स गोइंग टू बी 4 मंथ्स जब मैं अपनी रियल वॉइस सुनी हूँ। सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं सही हो रहा है, छुट्टी भी मना आए 2-3 दिन, फिर भी नहीं सही हो रहा है। डी आ रहा है और जिटोनोगैमी होता है जिसमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, तो ये दिख तो क्रॉस पॉलिनेशन रहा है बट एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, तो जीन्स तो सेम होंगे, तो इधर से जेनेटिकली आप देखेंगे, फिजियोलॉजिकली तो दिख रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से सही नहीं है, सही नहीं है, कम ऑन एवरीवन, ये थोड़ा बड़ा सा है, जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। कम ऑन एवरीवन, सी आ रहा है। कल बेटा हर संडे PYQ कराते हैं, कल से मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर शुरू कर रही हूं पढ़ाना। हाइलम इज अ स्कार ऑन दी, स्कार कहां पे होता है, हाइलम इज अ स्कार ऑन दी। कल से 5 PM और 8 PM आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू हो रहा है, फ्रॉम बेसिक टू हीरो लेवल। 5 PM 8 PM जल्दी जल्दी, हर संडे PYQ भूलो मत। डी आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, सीड में होता है जहां फ्यूनिकुलस होता है, क्योंकि हाइलम किधर होता है हमारा, फ्यूनिकल के पास होता है, तो जब भी फ्यूनिकल का नाम आए तो बस टिक्का लगा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर, तो फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब हमारा जो फूल होता है वो क्या रिवॉर्ड देता है पॉलिनेशन करवाने पे उन जानवरों को जो पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं। अभी भैया शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन बताया है, अब जी सही सही आंसर चाहिए हमको, चलो जल्दी से, क्या रिवॉर्ड मिलता है। मैं घर से हूं, घर से जल्दी बताओ। ए आ रहा है, बिल्कुल सही, नेक्टर और पॉलन ग्रेन देते हैं। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, बी आ रहा है। सो फनी, आई वॉज नॉट फनी, मैं एक्चुअली घर से हूं यार, मैं नहीं रहती हूं, मैं घर ही में रहती हूं, दिस इज रियली
सी बी होगा दो स्पर्म यानी दो मेल गैमेट बन रहा है और एक वेजिटेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट से निकलते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, यार ये क्वेश्चन ना, मतलब मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन तो आने वाला है इस बार, इतनी बार ही क्वेश्चन आ गया ना अब कि लग रहा है ये वाला तो आएगा ही आएगा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सी आ रहा है बिल्कुल सही, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट वाटर की बात हो रही है, सिर्फ वाटर की बात हो रही है तब बोल रहा है ये, ध्यान से देखना। फिलीफॉर्म एपरेटस, हाय राम क्या करेंगे, क्या करवा के मानेंगे, जल्दी से इसका आंसर दो। आई जस्ट वॉन्ट टू स्किप दिस क्वेश्चन। नारियलन्ना, जल्दी जल्दी, ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सिनर्जिड में होता है। व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज, अरे बाप रे, आपको देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को पूछना इसको यही है कि कॉटिलेडन का दूसरा नाम क्या है, और घुमा फिरा के ऐसा वैसा इसके जैसा क्वेश्चन कर करके परेशान कर दिया है। जल्दी बताओ, डी आ रहा ऑप्शन और बिल्कुल सही जवाब है, स्कूटेलम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, क्या होता है फॉल्स फ्रूट, जल्दी बताओ ये नकली फ्रूट कौन सा है इनमें से, नकली फ्रूट, सोच रहे हो कितना इजी है, नीट ढंग से पढ़ोगे कितना जल्दी क्रैक कर लोगे, तो लेट्स क्रैक इट जल्दी से। बनाना, फिर सी आ रहा है, ए आ रहा है, बनाना पार्थेनो कार्पिक कहलाता है क्योंकि ये पार्थेनो जेनेसिस से बन रहा है। अब बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैम एप्पल भी तो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ये थैलेमस से बन रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस पार्थेनो जेनेसिस नहीं है, यहाँ पे पार्थेनो कार्पिक ही पूछ रहा है। ठीक है चलो, 18 घंटे बहुत होते हैं बेटा, 18 घंटे पढ़ लो तो नीट, क्या तुम यूपीएससी फोड़ लो यहीं से बैठ के, तो नीट फोड़ने के लिए तो बहुत है 18 घंटे। मैं तो कहूँगी अभी भी अगर एक एवरेज बच्चा अगर आराम से 10 से 12 13 घंटे पढ़ रहा तो आराम से निकल जाएगा, आराम से, इतने सारी सुविधा है आपके पास, बहुत है, 18 घंटे कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ी हूं 18 घंटे, एक साल पढ़ी हूं बैठ के 18 घंटे, बहुत पढ़ाई की थी यार, बहुत पढ़ाई। डी आ रहा है एंड डी करे क्योंकि इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर ऑफ यूनिसेक्सुअल, लेकिन उस समय मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब समझ रहे हो, बस पढ़ रही हूँ, कोई नहीं बता रहा है किस तरह पढ़ना है, तो अब मैंने हार्ड वर्क किया है, मैं सही बताऊँ मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बट आजकल के ज़माने में आपके साथ एक बहुत अच्छा चीज़ जुड़ गया है, स्मार्ट वर्क, तो आप इससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले आ सकते हो, तो अपने स्मार्ट वर्क, मैं ये नहीं कह रही स्मार्ट वर्क किया नहीं, बट मैं जब पढ़ाई की थी तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो आपके पास तो दोनों यंत्र है, सोचो आप तो मचा दोगे। पीप पीप, अरे हाँ यार फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या, ओए वो क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा क्वेश्चन सेम है, बुद्धू यूनिसेक्सुअल पूछ रहा है, यूनिसेक्सुअल पी में नहीं होता है, ठीक है कुकुम्बर में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बेटा उस टाइम सिर्फ पढ़ते थे, कुछ नहीं करने को होता था, ठीक है स्टूडेंट लाइफ में क्या ही काम होता है ज्यादा यार, पढ़ाई से ऊपर उठ के तो कोई भी पेरेंट्स भी आपको नहीं कहेंगे ना क्यों पढ़ रहा है तू, पढ़ना छोड़ दे चल काम कर,
ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना, तो प्रायोरिटी वही बना रखी थी। और वो एक ही साल किया था मैंने, सच बताऊं एक साल भी नहीं, मैंने सच बताऊं तो 9 महीने, 9.5 महीने के लगभग किया था बस, 9.5 महीने रगड़ा था, बहुत गंदा रगड़ा था। फिर मैंने भी अपना डाउनफॉल ले आया था, वो सारी बातें मैंने अपनी स्टोरी में बताई हैं, इसी चैनल पे मेरी स्टोरी है अगर आपको जानना है। 9.5 महीने पढ़ने के बाद भी मैं गिर गई थी, फिर मैं कैसे उठी हूँ वो लास्ट के 1.5 महीने में, ये भी मैंने बताया है। ए आ रहा है, सही बात है, केवल एंजियोस्पर्म में होता है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी, यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों को पता है, मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन बच्चों को पता है। प्लॉइडी ऑफ एंजियोस्पर्म आज सारे तो नहीं हो पाएंगे, 90 क्वेश्चन के लगभग हैं और हम पहुंचे किस पे हैं अभी, हम पहुंच गए 66 पे। अरे हो जाएंगे यार, 20 ही तो रह गए, हो जाएंगे। जल्दी बताओ, ट्रिप्लॉइड होगा, बिल्कुल सही, टिक्का लगा देंगे। चलो, इन पाइनस एंडोस्पर्म सेल है 30 क्रोमोसोम एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सीव सेल? एंडोस्पर्म में अगर 30 है तो सोचो 3N होगा, और सीव सेल कैसे होंगे, नॉर्मल सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल में कितना होता है, 2N होता है, यानी कि क्या होगा, अरे एक सेकेंड, 60 अच्छा, ओके, यहाँ पे एन होगा, क्यों एन होगा, क्यों एन होगा, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है। ओहो, मैं पाइनस देख ही नहीं रही हूं, ओह गॉड, पाइनस मत बूझ लेना, जिम्नोस्पर्म है, मैं पाइनस ध्यान ही नहीं दे रही हूं, मैं इसको कैप्सिला जाने क्या समझ रही हूं। ट्रू फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज ट्रू, सही क्या है इनमें से? हाँ, समझ गए भैया, माफी दे दो, माफी, आप लोग से बात करने में ना थोड़ा सा माइंड। चलो चलो जल्दी बताओ, पूजा बेटा एक बार मेरे से टेलीग्राम पे आप इंटरेक्ट कर लो, यहाँ बताएंगे ना तो ये क्वेश्चन जड़बड़ जड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। जल्दी बताओ, टेलीग्राम पे आप मेरे से डायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेना। साक्षी 100 के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। मेरी टेली आईडी t.me/sakshibio SAKSHIBIO। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मैं यहां लिख दे रही हूं, अभी मिटा दूंगी, जिसको नोट करना है नोट कर लो, ये मेरी टेली आईडी है। चल लिख दिया, सी आ रहा है लोगों से, बी इसका सही जवाब है। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, न्यूसिलस हुआ, मैक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर फिर फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है, पहले न्यूसिलस क्यों आएगा बच्चा, है क्या हुआ ये, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सही तो है, ओवरी बी होगा आंसर, सही तो है, न्यूसिलस के बाद मेगा स्पोर मदर सेल टेट्राड बनाती है, उसमें से जो फंक्शनल होता है वही लेती है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, हद हो गई, हद हो गई, अब कम ऑन एवरीवन।
बेटा साक्षी 100 टाइप करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। कौन सा बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है यहां पे, मैं बता रही हूं। डोरा जुड़ा हुआ है, डोरा इज देयर, डोरा हो आप यहां पे। और तो किसी को मैं पहचान नहीं रही हूं अभी। 4 आएगा, बिल्कुल सही है, या तो एकदम परेशान कर दिया है क्वेश्चन। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन आर अटैच्ड टू, प्रॉक्सिमल एंड, चला गया है। चलो साक्षी 100 टाइप करो, एस ए के एस एच आई 100, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। डी आ रहा है, बिल्कुल सही, थैलेमस, जो आपका पिटियोल का, ठीक है, थोड़ा सा स्वेल्ड इन पार्ट होता है, उससे अटैच होता है आपका क्या, ऊपर जाके स्टेमेन, थैलेमस। चलो Which one of the following is not true? मतलब incorrect है कौन सा, मतलब कि false है, जल्दी बताओ। हाँ जी सही है, motivational video, यही नाम है, यही type करना और आपको मिल जाएगा। अगर किसी को मिल गया है तो जल्दी से यहाँ share कर दो अपने से। मेरी Instagram ID साक्षी बरनवाल 101, साक्षी बरनवाल 101, मेरी spelling आप किसी भी लेक्चर से चेक कर सकते हैं। 101 ए आ रहा है, बिल्कुल सही, टेप्टम, हेलसिन, डेहिसेंस ऑफ एंथर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो बाद में एग्जाइन बन जाता है। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, और किसी को जब बिल्कुल मैं नहीं मिलती हूं ना, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी मैसेज का ऑप्शन है, वहां पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं वहां बता दूंगी। यार ये क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, दो तीन एकदम ही पीछे पड़ गए हैं, फिलीफॉर्म, ये स्कूटलम वाले, और एक ये एंडोस्पर्म वाले, इनमें से एक क्वेश्चन इस साल आएगा, देख लेना आप। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, डी आ रहा है एंड इज द करेक्ट आंसर, एपोमिक्सिस होता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्लोन बनाता है, क्या बनाता है, क्लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कम ऑन एवरीवन, इनमें से कौन सा नहीं सही है। 4 तारा है मेरे पास, लेट्स सी, और फर्स्ट है पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ सेम स्पीशीज ग्रो ऑन इनटू दिस टाइम, तो जर्मिनेट क्यों करेगा, जब तक वो स्पीशीज को पहचानेगा नहीं, जर्मिनेशन नहीं होता है। Which one of the following generates new genetic combination leading to variation? ये सर्च करो, मिल जाएगा, ये सर्च करो जाके। चलो और आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, जहां पे वेरिएशन होता है।
मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है इनमें? हाँ, स्लैश साक्षी बायो, BIO, ए आ रहा है, ए आ रहा है, लेट्स सी, एन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। पॉलिनेशन इन वॉटर हाइसेंथ, आइकॉर्निया, वॉटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाई एजेंसी ऑफ, हे भगवान, एजेंट, एजेंट ऑफ, एजेंसी होगा, चलो, इंसेक्ट और विंड आ रहा है डी, एंड दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, या तो विंड से या तो इंसेक्ट से ये पॉलिनेट होते हैं। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यार अभी उल्टा क्वेश्चन आया था, पता है जो आंसर है पहले वो क्वेश्चन में आया था, तो देख रहे हो एक्टिव पैसिव बनाते रहते हैं, कई बार ऑप्शन को क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन, तो नीट में खेला होता है खेला। सी आ रहा है, मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल सही जवाब है, यही होता है आपका ओव्यूल। डोरा आ गया, डोरा बेटा एक बार सबको मेरा टेली आईडी शेयर कर दो प्लीज चैट सेक्शन में, क्रिश प्लीज शेयर कर दो, ABCD लेबल करना है आपको, ABCD लेबल करना है। ओए डोरा मेरी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है मेरी, फर्स्ट वाला एच नहीं होगा। हाय मिस्टर कंफ्यूज्ड, बच्चों ये देखो इससे ढूंढना है, बी आ रहा है और ए आंसर सही है, पहला क्या है हमारा ए थैलेमस जो सबसे बाहर है, फिर बी हमारा सीड है अंदर, बी आ दिख रहा है, सी हमारा एंडोकार्प है और बी मीजोकार्प है, डी मीजोकार्प है। हाँ जी बिल्कुल सही, आप क्या बता रहे हो, बी, बी में क्या बता रहे हो, ए सीड है, अरे सीड तो अंदर होगा कैसे बी हो जाएगा, यही गलत है। चलो फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डिवेलप इन टू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है, बी आ रहा है एंड दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, एम्ब्रियो सैक बनाता है, कैपिटल है बेटा कैपिटल पूजा, अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कौन सी फिली में, यस किस वाले पॉलिनेटर्स के साथ, ये रिवॉर्ड्स वाला खेल होता है अट्रैक्टेंस वाला, बदमाशी नहीं, डी आर आई डी एनिमोफिली है, क्या होता है एनिमोफिली, डू यू थिंक इसमें अट्रैक्टिव प्लांट और फ्लावर की जरूरत है, ए होगा इसमें अट्रैक्टिव प्लांट की, अट्रैक्टिव फ्लावर की जरूरत होगी, एंटीमोफिली कौन करा रहे हैं, इंसेक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोफिली वाटर करा रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, इनको कोई जरूरत नहीं है, ये अगेन विंड करा रहा है, इनको भी कोई जरूरत नहीं है, ये तो है ही नहीं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो वीवी पेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जाके कोई ऐसा क्वेश्चन निकला है, जल्दी बताओ।
बिल्कुल सही, हैलोफाइट्स, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन दी ओवरी एंड आर पैक्ड इन टू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, एक ओवरी में है और इनफ्लोरेसेंस में अरेंज्ड हैं। कम ऑन एवरीवन, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, खत्म होने वाला है हमारा क्वेश्चन अब। बी आ रहा है एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट जिनमें एक ही तरह का फ्लावर निकल रहा है, ए आ रहा है, लेट्स सी ए इज द करेक्ट आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, हाय दादा, डबल फर्टिलाइजेशन, ये मेरे AIPMT का क्वेश्चन है, ये मेरे AIPMT के टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सी आ रहा है एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्रिश बेटा दे दो ना सबको आईडी, एक बार जाके वहां से कॉपी कर लो, आप एक बार मेरे ग्रुप के अंदर जाओगे वहां पे लिंक कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो प्लीज, ठीक है। चलो बी आ रहा है, बिल्कुल सही, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी इनका एंडोस्पर्म यूज अप हो गया होता है। Which of the following flowers only once in its lifetime? अरे तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है NCERT का, जल्दी बताओ। फेवरेट क्वेश्चन, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं मिल रहा, इतना इजी है ढूंढना। बिल्कुल सही, बैम्बू, बांस का पेड़। पॉलेन कैन बी स्टोर्ड पॉलेन बैंक में, कैसे, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को, किस टेम्परेचर में, इसको क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या टेम्परेचर पे रखा जाता है। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, डबल फर्टिलाइजेशन इज। जल्दी जल्दी, बी आ रहा है और डी इसका आंसर है, सिनगैमी होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि आपके पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट आपका फ्यूज होता है, दूसरे में एग सेल से फ्यूज होता है, कौन एक एक मेल गैमीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज relationship with a species of moth where none of two can complete its life cycle without other? NCERT से बहुत ज्यादा important question है ये, जल्दी बताओ। moth, pronuba moth और किसका relationship है,
तीन चार क्वेश्चन और रह गए हैं, बहुत बस। युक्का, यस बिल्कुल सही। फाइंड आउट प्लॉयडी लेवल, फाइंड आउट प्लॉयडी लेवल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। न्यूसिलस का शुरू में ही आपको समझ में आ जाएगा, पहले दो में ही आंसर मिल जाएगा। सी बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका 2N पहले ही देख लोगे। बी इज द करेक्ट आंसर। प्लॉयडी लेवल ऑफ टेपटर्म एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी एक झटके में समझ में आएगा। माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट। कम ऑन एवरीवन, बी आर आई एब्सोल्यूटली करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। हाय प्रीति, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सारे बच्चे देंगे, सारे बच्चे, सारे बच्चे आंसर देंगे। एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन, किसमें? दैट्स इट। डी आ रहा है लोगों से, डी। युक्का कहां पे हो भी? युक्का कब का चला गया? मस्टर्ड आ रहा है एंड द करेक्ट आंसर इज डी कैस्टर। कैस्टर में आपका पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता। सोचो पीनट, ग्राउंडनट और मस्टर्ड के अंदर कहां दिखता है? एंडोस्पर्म नहीं दिखता है, कैस्टर के अंदर होता है एंडोस्पर्म। थैंक यू क्रिश, थैंक यू सो मच। तो बच्चों पार्टी, ये प्रीवियस ईयर 20 इयर्स के यहाँ एक बैच चला हुआ है, 17 मार्च से अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप प्लस पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये 90 डेज रिवीजन का बैच में ज्वाइन करना है, जहाँ पे ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, फ्रॉम 24th मार्च इन 90 डेज फॉर नीट 2021 क्रैश कोर्स, तो यू कैन ज्वाइन प्लस इमीडिएटली। और ये 3 मंथ डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, जो बेस्ट सूटेड है आप ले सकते हैं। और रिमेंबर द कोड साक्षी 100, जिससे आपको इमीडिएट 10% ऑफ मिलेगा और साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस की गारंटी। यस, फ्री टेस्ट लग रहे हैं अलग अलग एजुकेटर के, तो आपको जिसका भी देना आप दे सकते हैं, ये सारे फ्री हैं आपके लिए। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे हो रहा है, आज भी हुआ, जहां पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है और 150 विनर को एडिशनल डिस्काउंट। बम्पर ऑफर है आज के लिए, अगर आप साक्षी 100, आप ये कूपन यूज करके अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको वो एक्सटेंड होके 31 जुलाई तक मिलेगा और 10% ऑफ भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको आज मिल जाएंगी। सो दिस इज माई कोड, दिस इज माई टेली चैनल, एवरीथिंग। सो वेयर यू विल गेट 10% ऑफ एंड माई पर्सनल गाइडेंस। थैंक यू एवरी वन, फॉलो मी ऑन एन अकेडमी विद दिस लिंक। माई नेम इज डॉक्टर साक्षी बरनवाल। तो कल से सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे क्लास चलेगी और स्पेशल 1 PM होती है। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर
आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना डेफिनेटली सारे फ्रेंड से, और सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हर संडे PYQ सीरीज 4 PM होगी, हर संडे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। ओके बच्चों, पार्टी, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।